मित्र ये मसी के नाम से अभिनंदन वंस अगेन इट इज माई जो एंड प्रिवलेट टू बी विथ यू टू स्पेंड दिस बिगिन अवर्थ डे और एक बार फिर मेरा आनंद है और सौभाग्य है कि इससे पहले कि इस दिन का शुरुआत करे कुछ समय लेकर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। As we to his voice, और जबकि खामोशी से हम परमेश्वर के आवासिटेडिटेशन रियल ब्लेसिंग टू यू मेरी प्रार्थना यही है कि आज का मनन आपके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए रिमेम्बर इज ऑन ऑन दरम ऑन द माउंट स्पेशलीफ uh, Matthew chapter five verses one to twelve और याद रखे आजकल के दिनों में विशेषकर हम उस पहाड़ी उपदेश के ऊपर हम मनन कर रहे हैं और जो कि मती रचित सु समाचार उसके पाँचवें अध्याय के एक पद से बारह पद तक पाया जाता है एंड वी हैव कंसिडर्ड सेवन ऑफ द बी एटीट्यूड और हमने अभी तक जो उपदेश है उनमें सात देखे हैं एंड टूडे पद में देखेंगे ग्रुप ऑफ ब्लेड पीपल और जहां पर एक और समूह को हम देखते हैं लोगों के जो धन्य है दर्ड से प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड यहाँ पर लिखा है कि धन्य वे लोग हैं जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे इट इज सेड इन गॉड्स होली वर्ल्ड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सी गॉड एंड दैट नो वन हैज एवर सीन गॉड परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये असंभव सी बात है कि कोई भी परमेश्वर को देखे Which और किसी ने नहीं देखा है आज तक वेन यू हैव सीन पर्सन जब आप कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति से को देखे हैं वट आर यू एक्चुअली रेफरिंग टू तो आप किसके विषय में बोलते हैं यू आर रेफरिंग टू सींग द फेस ऑफ पर्सन आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने उस व्यक्ति के चेहरे को देखा है and is is और यही बात इसका अर्थ ये है कि कोई भी परमेश्वर को देखा नहीं है परमेश्वर के चेहरे को नहीं देखा हियर इट इज सेड लेकिन यहाँ पर लिखा है there is a इज that इज पॉसिबल फॉर us टू सी God. एक ऐसे तरीका है एक संभव तरीका है जिससे हम परमेश्वर को देख सकते हैं वट इज दैट वे वो मार्ग क्या है इट इज होलीनेस वो पवित्रता का मार्ग इट इज अ वे ऑफ प्योरिटी एक शुद्धता का एक मार्ग है प्योर इन हार्ट और मन का शुद्धता का अर्थ ये नहीं है कि वो मार्ग बिना पाप का रहे बट इट मीन हु आर अपराइट लेकिन इसका मतलब यही है कि जो धर्मी लोग हैं एंड जस्ट एंड राइचुअस और न्याय है और धार्मिक हैं हुज माइंड्स एंड मोटिवस एंड प्रिंसिपल्स आर प्योर जिनका मन जिनका इर्द हृदय और इरादे जो हैं वो शुद्ध हैं दे सीक नॉट ओनली टू हैव देयर एक्सटर्नल एक्शंस करेक्ट और वो इस प्रयास में रहते हैं कि न सिर्फ बाहरी रूप से जो भी कार्य करते हैं वो सही हो बट दे आर दोज हु टू बी होली इन दे हार्ट एज वेल लेकिन वे लोग जो इच्छा को रखते हैं कि वो अपने हृदय में भी अपने मन में भी पवित्र बने एंड हु और ये लोग कौन है दोज नॉट सर्व बोथ गॉड एंड द वर्ल्ड ये वो लोग हैं जो दोनों परमेश्वर और संसार की सेवा करते हैं But have set their heart on God। लेकिन सिर्फ परमेश्वर की सेवा ही करते हैं और परमेश्वर पर ही मन बना के वर्ल्ड और संसार को बिल्कुल किनारे कर दे एवरी थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड और इस संसार के वस्तुओं को एंड are आर things ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार के वस्तु क्या है the lust ऑफ द फ्लैश जो शरीर की अभिलाषा है। the lust of the eyes, जो आंखों का अभिलाषा है एंड ऑफ लाइफ और जीवन का जो घमंड है। वर्ल्ड ये बातें संसार के and the pure are those who set aside एंड द प्योर आर world एंड ऑल इट्स desires. और मन के शुद्ध वही लोग हैं जो संसार को और इस शरीर के अभिलाषाओं को नारे टू सर्व बोथ द वर्ल्ड एंड एज वेल एज गॉड क्योंकि बहुत लोग ऐसे पाए जाते हैं जो दोनों परमेश्वर को और इस संसार को भी सेवा करते but हैं। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है वर्ल्ड आप संसार को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन उसी समय आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते गॉड well और दोनों संसार और परमेश्वर को सेवा करते हुए आप प्रसन्न नहीं कर सकते uh, as well as a holy God is क्योंकि जहाँ तक एक पवित्र परमेश्वर का संबंध है वर्ल्ड आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू हिम इस संसार के कुछ तरीके जो है वो परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग नहीं बट फॉर द वर्ल्ड लेकिन संसार के लिए एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल हर एक बात जो है वो ग्रहण योग अ मिक्स्ड लाइफ और कुछ लोगों का एक uh, मिला जुला एक जीवन होता है दे वांट हेवन

लेकिन ये लोग जो है सीकिंग गॉड जो परमेश्वर को खोजते हैं, सीक हिज प्योरिटी और उसके शुद्धता को खोजते हैं uh, वे अपने हृदय को अपने मनो को परमेश्वर पर लगा ओनली ट्रू गॉड एकमात्र जो सत्य परमेश्वर है साम एटी सिक्स वर्सन से भजन संहिता छियासी आस, के ग्यारह में लिखा है टीच मी यो वे ओ लॉर्ड हे प्रभु अपने मार्गो को सिखा यो वे आपके मार्गों को एंड आई विल वॉक इन योर ट्रूथ और मैं आपके सत्यो सत्य पर चलूंगा गिव मी एन अनडिवाइडेड हार्ट और मुझको एक ऐसे हृदय दे जो पूरा है जो पूर्ण है जो पूरा मन का है में फियर योर नेम ताकि मैं आपके नाम से डरू सच पीपुल सी गॉड फेस टू फेस और ऐसे ही लोग परमेश्वर को देखेंगे ब्लेसड इज द मैन हुज मोटिव आर ऑलवेज एंटायरली अनमिक्सड और धन्य वो मनुष्य है जिसके इरादे जो है बिल्कुल शुद्ध है एंड फॉर दैट मैन

कैनॉट बी मिक्सड विथ वर्ल्ड लाइफ सांसारिक जीवन में आप आत्मिक बातों को मिला सकते हैं लेकिन आत्मिक बातों को आप सांसारिक बातों से नहीं मिला सकते हैं दिस बी एटीट्यूड डिमैंड द एक्सैक्टिंग एक्सैक्टिंग सेल्फ एक्सामिनेशन और ये जो उपदेश है ये इस बात का मांग रखता है कि हम अपने आप को जाँच लें आस्क यूर सेल्फ डिस को अपने आप से पूछे इस सवाल को डू आई डू आवर माई वर्क फ्रॉम मोटिव ऑफ पे कि क्या जो कार्य मैं करता हूँ उसके पीछे इरादा यही है कि मैं कुछ हासिल करूँ कुछ लाभ पाऊँ और या फिर इस माई माई सर्विस गिवन फ्रॉम सेल्फलेस मोटिव या फिर जो कार्य मैं करता हूं वो निस्वार्थ इरादों के हैं वाट इज आदमी इसका अर्थ क्या है मोटिव ऑफ सेल्फ डिस्प्ले और ऐसे इरादे जो अपने स्वयं को दिखाते हैं इज द वर्क डन इन द चर्च डन फॉर क्राइस्ट और फॉर आवर ओन प्रस्टीज जो कार्य हम कलीसिया में करते हैं क्या वो हम मसीह के लिए करते हैं या फिर अपने खुद के लिए करते हैं इन ऑदर इज द बुक ऑफ एंड सफायरा और प्रेरित के काम में एक पति और पत्नी पाए जाते हैं जो जिनका नाम अनन्यस और सफीरा है दे डिड सम ग्रेट वर्क फॉर द चर्च और उन्होंने कलीसिया के लिए कोई बहुत बड़े काम किए हैं दे सोल्ड देयर प्रॉपर्टी उन्होंने अपने संपत्ति को बेच दिया एंड ब्रॉट हाफ ऑफ द मनी टू द चर्च और जो भी रकम उस भूमि का मिला उसका आधा हिस्सा वो कलीसिया में लाए एंड व्हेन पीटर आस्क Is it all you received? और जब पत्रा क्या ये पूरा रकम है जो भूमि का both मिला yes. हस्बैंड हाँ. you know है उसका परिणाम क्या हुआ दोनों का मृत्यु हो गया you know why? आप जानते हैं की इसलिए नहीं की वो सिर्फ उस रकम का आधा हिस्सा लाए मोटिव बिहाइंड वॉज सेल्फ प्रेस्टी लेकिन उनके देने के पीछे जो इरादा था वो uh, उनका स्वार्थ था नॉट फॉर द ग्लोरी ऑफ परमेश्वर God. के महिमा के लिए नहीं आई मीन दे कुड मीनू टोल द ट्रूथ और वो सच, सच सच्चाई को बता सकते थे वी गॉट 1 मिलियन रुपीस फॉर दिस एंड वी आर ब्रिंगिंग हाफ ऑफ इट

चर्च गोइंग फॉर एग्जाम्पल इज टू मीट विद गॉड क्या जब हम कलिसिया जाते हैं तो क्या प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं और फेलोशिप विद गॉड और परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए इस द मोटिव क्या इसके पीछे इरादा यही है और टू फुलफिल एन हैबिट एंड फॉर रेस्पेक्टेबिलिटी या फिर सिर्फ एक क्रिया को करने के लिए एक धार्मिक क्रिया को निभाने के लिए एंड आवर प्रेयर एंड बाइबल रीडिंग और जब हम प्रार्थना करते हैं या बाइबल को पढ़ते हैं सिंसियर फॉर फेलोशिप विद गॉड क्या सच में परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए वो उस इच्छा से हम करते हैं और वी डू देम बिकॉज वी प्लेसेंट फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी या फिर हम इसलिए करते हैं कि हमें अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया टू एक्साम इन वंस मोटिव इज डाउंटिंग एंड शेमिंग एक्सरसाइज और अपने आप को जांचने के लिए और जानने के लिए ये एक बहुत बड़ा और कभी कभी लज्जा से भरने वाला एक अनुभव है हु सी गॉड कौन परमेश्वर को देखेगा Who shall dwell with God in His presence? परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ कौन रहेगा? Read Psalm number fifteen. भजन सहिता पंद्रह पढ़ें. No pretension. कोई दिखावा नहीं. For the Lord just one glance from a distance is enough to understand our motives. क्योंकि प्रभु के लिए दूर से ही हमें एक दृश्य से देखना इस बात को जान लेना है कि हमारा इरादा क्या है You know somebody brought Nathaniel to Jesus. एक व्यक्ति नथानियल को यीशु मसीह के पास लाए. And as Jesus, as Nathaniel came walking टूअर्ड्स जीस और जबकि नथानियल यीशु मसीह के निकट आ रहे थे सीइंग हिम इमीडिएटली जीसस मेड दिस कमेंट अबाउट हिम और उसको देखते ही यीशु मसीह ने एक बात को कही हियर इज एन इसराइलाइट इन होम देर इज नो गाइल ये no यहाँ पर एक इसराइली है जिसके अंदर कोई पाप या अशुद्धता नहीं है नथानियल वाज सरप्राइज्ड नथानियल चकित हो गया This is our God, my friend. यही हमारा परमेश्वर है मेरे मित्रों. He reads even our very imaginations of our mind are read by God from afar off. हमारे मनों के कल्पनाओं को भी परमेश्वर दूर से ही पढ़ लेते हैं. So let's straighten our motive. So इसलिए अपने इरादों को हम सही करें. Why do we do this? हम कुछ कार्य को क्यों करते हैं? Why है? do we do that? और दूसरा कार्य को क्यों करता में आते हैं वाई डू वी लिफ्ट अवर है क्यों हम अपने हाथों को उठाते हैं व्हाट फॉर व्हाट इज द मोटिव इसके पीछे कारण क्या है वेरी कमिंग ऑफ यू टू the चर्च शुड बी ओनली टू मीट with गॉड

प्रभु हम समझ गए हैं कि इससे पहले कि हम कुछ करें या कुछ अच्छा कार्य करें हम अपने इरादों को जांच लें वी नीड द होली स्पिरिट हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है सो हेल्प अस दैट वी डू थिंग्स राइट बिकॉज़ वी डू इट विद द राइट मोटिव सो हमारी सहायता करें कि हम सही कामों को करें एक सही इरादों के In साथ जीसस नेम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष दे एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम और अगली बार हम फिर मिलेंगे वी विल कंटिन्यू द स्टडी ऑन दिस पास और हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे